हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई इंटरेस्टिंग ट्रेन जानकारी वाली वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूँ 14620 त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। दोस्तों ये ट्रेन पंजाब राज्य के फिरोजपुर कैंट से त्रिपुरा राज्य के अगरतला रेलवे स्टेशन के बीच में चलती है। फिरोजपुर कैंट जिसका स्टेशन कोड है FZR और अगरतला का स्टेशन कोड है AGTL। दोस्तों इस ट्रेन का इनॉगरल रन, इस ट्रेन की शुरुआत की गई थी सोमवार 8 अगस्त 2016 को और तब से ये ट्रेन हमें और इंडियन रेलवे को अपनी सेवाएं देती आ रही है। एक बहुत ही प्रीमियम और पॉपुलर ट्रेन है जिसके बारे में आपको आज पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ, जैसे कि इस ट्रेन का रूट, स्टॉप, टाइम टेबल, कोच, किराया, लोकोमोटिव, इन जैसी तमाम जानकारी मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें डेली ट्रेन इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए, और मेरी इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये ट्रेन हफ्ते में केवल एक दिन चलती है, हर सोमवार को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए पहले बात करते हैं इस ट्रेन के रूट मैप के बारे में। ये ट्रेन कौन से रूट से होकर गुजरती है? फिरोजपुर कैंट से रवाना होने के बाद ये ट्रेन भटिंडा जंक्शन, हिसार, रोहतक, नई दिल्ली, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, पाटलिपुत्र, न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू बोंगिया गांव, गुवाहाटी, लमडिंग जंक्शन, न्यू करीमगंज स्टेशन और धर्मनगर के रास्ते ये ट्रेन अगरतला रेलवे स्टेशन पहुंचती है। दोस्तों इस ट्रेन का पूरा रूट, स्टॉप, टाइम टेबल आगे डिटेल में मैंने वीडियो में बता रखा है, तो उसके लिए जरूर रुकिएगा। लेकिन आइए पहले इस ट्रेन के बेसिक डिटेल के बारे में बात करते हैं। फिरोजपुर कैंट से अगरतला तक के 2896 किलोमीटर की दूरी को ये ट्रेन 57 घंटे 20 मिनट में कवर करती है। इस दौरान ये ट्रेन 30 स्टेशनों या हॉल्टों पर रुकते हुए अगरतला रेलवे स्टेशन पहुंचती है। ट्रेन की एवरेज स्पीड रहती है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की और इस ट्रेन की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की, जो कि नई दिल्ली से पाटलिपुत्र जंक्शन के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रहती है। दोस्तों ये एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है जिसे नॉर्दर्न रेलवे डिवीजन ऑपरेट करता है। इस ट्रेन में आपको नॉर्मल तत्काल और प्रीमियम तत्काल दोनों टाइप के तत्काल की सुविधा मिल जाती है। कैटरिंग से संबंधित आपको थोड़ी सी जानकारी बता दें, दोस्तों इस ट्रेन में पेंट्री कार अवेलेबल रहता है। इसके अलावा आप चाहे तो ऑनबोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग की भी सुविधा ले सकते हैं इस ट्रेन में। आइए बात करते हैं इस ट्रेन के कोच कॉम्पोजिशन के बारे में। दोस्तों इस ट्रेन में आधुनिक LHB कोचेस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि स्पीड, सेफ्टी और कंफर्ट के लिहाज से काफी बढ़िया कोचेस माने जाते हैं, जिसमें जनरल क्लास का 4 कोच रहता है, स्लीपर क्लास का 7 कोच रहता है, थर्ड AC का 6 कोच रहता है, सेकेंड AC का 2 कोच रहता है इस ट्रेन में। आइए दोस्तों बात करते हैं इस ट्रेन के लोकोमोटिव के बारे में। दोस्तों इस ट्रेन में पूरी यात्रा के दौरान फिरोजपुर कैंट से अगरतला तक इलेक्ट्रिक और डीजल दोनों टाइप के लोकोमोटिव का यूज किया जाता है। ट्रेन का लोको रिवर्सल और रेक रिवर्सल होता है भिवानी जंक्शन और लमडिंग जंक्शन में, और दोस्तों इस ट्रेन का लोकोमोटिव चेंज किया जाता है भिवानी जंक्शन में। फिरोजपुर कैंट से भिवानी जंक्शन तक इस ट्रेन में डीजल लोकोमोटिव का यूज किया जाता है, जो कि WDP-4D रहता है, और भिवानी जंक्शन से अगरतला जंक्शन तक इस ट्रेन में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का यूज किया जाता है, जो कि WP-7 रहता है। और दोस्तों ये लोकोमोटिव इस ट्रेन के ऑफिशियल लिंक हैं। तो आइए बात करते हैं इस ट्रेन के किराए के बारे में। दोस्तों जो किराया मैं आपको बताने वाला हूँ वो इंडियन रेलवे द्वारा अपडेट किया गया किराया है, और ये किराया फिरोजपुर कैंट से अगरतला तक का पूरा किराया होने वाला है। जनरल क्लास का बेस फेयर रहता है 480 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज 15 रुपये, सुपरफास्ट चार्ज 15 रुपये, अदर चार्जेस 15 रुपये, इन सबको ऐड करके जनरल क्लास का टोटल किराया हो जाता है 525 रुपये। स्लीपर क्लास का बेस फेयर रहता है 910 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये, सुपरफास्ट चार्ज 30 रुपये, अदर चार्जेस 15 रुपये, इन सबको ऐड करके स्लीपर क्लास का टोटल किराया हो जाता है 975 रुपये। थर्ड AC का बेस फेयर रहता है 2262 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये, अदर चार्जेस 15 रुपये, GST 118 रुपये, इन सबको ऐड करके थर्ड AC का टोटल किराया हो जाता है 2480 रुपये। सेकेंड AC का बेस फेयर रहता है 3337 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये, अदर चार्जेस 25 रुपये, GST 173 रुपये, इन सबको ऐड करके सेकेंड AC का टोटल किराया जाता है 3630 रुपये। दोस्तों ये सब जो किराया मैंने आपको बताया, ये सब मैंने IRCTC रेल कनेक्ट ऐप के द्वारा बताया है। आप चाहें तो रिजर्वेशन काउंटर पर चेक कर सकते हैं जब आपको यात्रा करनी हो, क्योंकि इंडियन रेलवेज अपने किराए में लगातार बदलाव करता रहता है। आइए बात करते हैं इस ट्रेन के रूट, स्टॉप और टाइम टेबल के बारे में। दोस्तों ये ट्रेन फिरोजपुर कैंट से रवाना होने के कम आधे घंटे पहले प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आकर लग जाती है, और प्लेटफॉर्म नंबर 3 से इस ट्रेन का डिपार्चर होता है। यहाँ से ट्रेन का डिपार्चर टाइम है 1:25 का। दोस्तों टाइम टेबल के अलावा ये ट्रेन कौन से स्टेशन पर किस प्लेटफॉर्म पर आने वाली है ये भी मैंने बताया वीडियो में, लेकिन अगर आप इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हो तो स्टेशन पर एक बार से जरूर से चेक कर लें कि ये ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, क्योंकि कभी कभी बताया हुआ प्लेटफॉर्म अगर खाली नहीं रहता तो ट्रेन को किसी और प्लेटफॉर्म पर लगा दिया जाता है। ट्रेन का पहला स्टॉप है फरीदकोट स्टेशन। यहाँ पर ट्रेन 1:50 पर प्लेटफॉर्म 1 पर पहुँचती है,
और 1:52 में ऐसे रवाना होते हैं, यहाँ पर इनका 2 मिनट का हॉल्ट है। दूसरा स्टॉप है कोट कपूरा जंक्शन, यहाँ पर दोपहर के 2:07 पर प्लेटफॉर्म 1 पर पहुंचती है और 2:09 में ऐसे रवाना होते हैं, यहाँ पर इनका 2 मिनट का हॉल्ट। तीसरा स्टॉप है भटिंडा जंक्शन, यहाँ पर दोपहर के 3:15 पर प्लेटफॉर्म 4 पर पहुंचती है और 3:25 पर ऐसे रवाना होते हैं, यहाँ पर इनका 10 मिनट का हॉल्ट है। चौथा स्टॉप है कलनवली, यहाँ पर शाम के 4:11 पर प्लेटफॉर्म 1 पर पहुंचती है और 4:13 पर ऐसे रवाना होते हैं, यहाँ पर इनका 2 मिनट का हॉल्ट है। पांचवा स्टॉप है सिरसा, यहाँ पर शाम के 5:02 पर प्लेटफॉर्म 1 पर पहुंचती है और 5:07 पर ऐसे रवाना होते हैं, यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। छठवा स्टॉप है मंडी अदमपुर, यहाँ पर ट्रेन शाम के 6:01 पर प्लेटफॉर्म 1 पर पहुंचती है और 6:03 पर ऐसे रवाना होते हैं, यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। सातवा स्टॉप है हिसार जंक्शन, यहाँ पर शाम के 6:50 पर प्लेटफॉर्म 1 पर पहुंचती है और 7 बजे यहाँ से रवाना होते हैं, यहाँ पर इनका 10 मिनट का हॉल्ट है। आठवा स्टॉप है भिवानी जंक्शन, यहाँ पर शाम के 7:55 पर प्लेटफॉर्म 1 पर पहुंचती है और 8:25 पर ऐसे रवाना होते हैं, यहाँ पर ट्रेन का 30 मिनट का हॉल्ट है। और दोस्तों यहाँ पर ट्रेन का रेक रिवर्सल होता है और लोकोमोटिव भी चेंज किया जाता है। नौवां स्टॉप है रोहतक जंक्शन, यहाँ पर रात के 9:48 पर प्लेटफॉर्म 1 पर पहुंचती है और 9:50 पर ऐसे रवाना होते हैं, यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। दसवां स्टॉप है सकूर बस्ती, यहाँ पर रात के 10:36 पर प्लेटफॉर्म 1 पर पहुंचती है और 10:38 पर ऐसे रवाना होते हैं, यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। ग्यारहवां स्टॉप है न्यू दिल्ली, यहाँ पर ट्रेन रात के 11:30 पर प्लेटफॉर्म 15 पर पहुंचती है और 11:45 पर ऐसे रवाना होते हैं, यहाँ पर ट्रेन का 15 मिनट का हॉल्ट है। बारहवा स्टॉप है कानपुर सेंट्रल, यहाँ पर सुबह के 5:20 पर प्लेटफॉर्म 6 पर पहुंचती है और 5:25 पर ऐसे रवाना होते हैं, यहाँ पर इनका 5 मिनट का हॉल्ट है। तेरहवा स्टॉप है प्रयागराज जंक्शन, यहाँ पर सुबह के 7:50 पर प्लेटफॉर्म 4 पर पहुंचती है और 7:55 पर ऐसे रवाना होते हैं, यहाँ पर इनका 5 मिनट का हॉल्ट है। चौदहवा स्टॉप है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, यहाँ पर सुबह के 10:52 पर प्लेटफॉर्म 1 पर पहुंचती है और 11:02 पर ऐसे रवाना होते हैं, यहाँ पर इनका 10 मिनट का हॉल्ट है। पंद्रहवा स्टॉप है पाटलिपुत्र जंक्शन, यहाँ पर दोपहर के 1:55 पर प्लेटफॉर्म 4 पर पहुंचती है और 2:05 पर ऐसे रवाना होते हैं, यहाँ पर इनका 10 मिनट का हॉल्ट है। सोलहवा स्टॉप है बरौनी जंक्शन, यहाँ पर शाम के 4:15 पर प्लेटफॉर्म 3 पर पहुंचती है और 4:25 पर ऐसे रवाना होते हैं, यहाँ पर इनका 10 मिनट का हॉल्ट है। सत्रहवा स्टॉप है कटिहार जंक्शन, यहाँ पर शाम के 7:30 पर प्लेटफॉर्म 1 पर पहुंचती है और 7:40 पर ऐसे रवाना होते हैं, यहाँ पर इनका 10 मिनट का हॉल्ट है। अठारहवा स्टॉप है न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन, यहाँ पर रात के 10:50 पर प्लेटफॉर्म 1 पर पहुंचती है और 11 बजे ऐसे रवाना होते हैं, यहाँ पर इनका 10 मिनट का हॉल्ट है। उन्नीसवा स्टॉप है न्यू भोंगेगांव जंक्शन, यहाँ पर सुबह के 3:55 पर प्लेटफॉर्म 1 पर पहुंचती है और 3:57 पर ऐसे रवाना होते हैं, यहाँ पर इनका 2 मिनट का हॉल्ट है। बीसवा स्टॉप है गुवाहाटी, यहाँ पर सुबह के 8:05 पर प्लेटफॉर्म 1 पर पहुंचती है और 8:20 पर ऐसे रवाना होते हैं, यहाँ पर इनका 15 मिनट का हॉल्ट है। इक्कीसवा स्टॉप है जागी रोड, यहाँ पर सुबह के 9:15 पर प्लेटफॉर्म 1 पर पहुंचती है और 9:17 पर ऐसे रवाना होते हैं, यहाँ पर इनका 2 मिनट का हॉल्ट है। बाईसवा स्टॉप है होजाई, यहाँ पर सुबह के 10:17 पर प्लेटफॉर्म 2 पर पहुंचती है और 10:19 पर ऐसे रवाना होते हैं, यहाँ पर इनका 2 मिनट का हॉल्ट है। तेईसवा स्टॉप है लमडिंग जंक्शन, यहाँ पर सुबह के 11:15 पर प्लेटफॉर्म 4 पर पहुंचती है और 11:30 पर ऐसे रवाना होते हैं, यहाँ पर इनका 15 मिनट का हॉल्ट है। दोस्तों यहाँ पर इनका रेक रिवर्सल होता है। चौबीसवा स्टॉप है न्यू हफलोंग, यहाँ पर दोपहर के 2:12 पर प्लेटफॉर्म 1 पर पहुंचती है और 2:17 पर ऐसे रवाना होते हैं, यहाँ पर इनका 5 मिनट का हॉल्ट है। पच्चीसवा स्टॉप है बदरपुर जंक्शन, यहाँ पर साहब के 5:05 पर प्लेटफॉर्म 1 पर पहुंचती है और 5:15 पर ऐसे रवाना होते हैं, यहाँ पर इनका 10 मिनट का हॉल्ट है। छब्बीसवा स्टॉप है न्यू करीमगंज जंक्शन, यहाँ पर साहब के 5:40 पर प्लेटफॉर्म 1 पर पहुंचती है और 5:42 पर ऐसे रवाना होते हैं, यहाँ पर इनका 2 मिनट का हॉल्ट है। सत्ताईसवा स्टॉप है पत्थरकंडी, यहाँ पर साहब के 6:20 पर प्लेटफॉर्म 1 पर पहुंचती है और 6:22 पर ऐसे रवाना होते हैं, यहाँ पर इनका 2 मिनट का हॉल्ट है। 28वां स्टॉप है धर्मनगर, यहाँ पर शाम के 6:58 पर प्लेटफॉर्म 1 पर पहुंचती है और 7 बजे यहाँ से रवाना होते हैं, यहाँ पर इनका 2 मिनट का हॉल्ट है। 29वां स्टॉप है अम्बसा, यहाँ पर रात के 8:18 पर प्लेटफॉर्म 1 पर पहुंचती है और 8:20 पर ऐसे रवाना होते हैं, यहाँ पर इनका 2 मिनट का हॉल्ट है। 30वां स्टॉप पर ट्रेन का डेस्टिनेशन है अगरतला, यहाँ पर ट्रेन आपको रात के 10:45 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचा देती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली ट्रेन इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।